वेलकम स्टूडेंट्स टू माई चैनल ओरेकल टेक इंडिया। दिस इज़ द थर्ड एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो ऑफ हाउ टू बिकम ओरेकल DBA। तो इसमें देखते हैं DBA बनने के लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, और जिन लोगों ने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और उस पर बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे वीडियो को लाइक भी करें। What are the skills required for becoming a DBA? तो एक DBA बनने के लिए जो है क्या क्या skills required है तो वो देखते हैं। तो first skills जो required है for DBA के लिए वो है कि एक DBA की जो है communication skills बहुत ही excellent होनी चाहिए, perfect होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक company और organization में database department जो है वो एक सेंट्रल डिपार्टमेंट होती है, और उस डिपार्टमेंट का जो DBA होता है उस कंपनी के हर एक डिपार्टमेंट से उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो इसलिए जो है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही एक्सेलेंट होनी चाहिए। दूसरी जो स्किल्स है वो है नॉलेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑफ कोर्स DBA बनने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तो नॉलेज होनी चाहिए। तो डेटाबेस के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से आना चाहिए, उसकी बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड स्किल्स जो है वो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ विंडोज एंड लाइनक्स। तो विंडोज एंड लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसको होनी चाहिए, क्योंकि ओरेकल का जो सॉफ्टवेयर है वो विंडो पे इंस्टॉल होता है, लाइनक्स पे इंस्टॉल होता है। और फोर्थ जो है DBA या फिर डेवलपर बनने के लिए ऑफकोर्स डेटाबेस के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे कि SQL क्वेरी की लैंग्वेज, PLSQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फॉर्म्स और रिपोर्ट, इन सब की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये तो आप थ्रू आउट DBA के कोर्सेस में जो है ये चारों SQL, PLSQL, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट, ये चारों कोर सब्जेक्ट्स है, बेसिकली इसी पर जो है आपको ट्रेनिंग दी जाती है। नाउ नेक्स्ट जो है वो है DBA के लिए एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो देखते हैं। तो DBA बनने के लिए यहाँ पर जो है दो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स है, तो उस दो में से किसी एक को आप चूज कर सकते हैं। तो वो क्या है, वो है ए डिग्री कोर्स इन कंप्यूटर साइंस लाइक BCA, MCA, BE, ME, BTech, MTech, और DOEIC OAB लेवल जैसे कोर्सेस। तो एक तो तरीका ये है कि आप कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन कर लीजिए, जैसे कि BCA हो गया या फिर BE हो गया, BTech हो गया या DOEIC के OA लेवल जैसे कोर्सेज कर लीजिए। और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फिर आप कंप्यूटर साइंस में MCA कर सकते हैं, ME कर सकते हैं, MTech कर सकते हैं और DOEIC के B लेवल जैसे कोर्सेज कंप्लीट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आफ्टर कंप्लीटिंग BCA और बैचलर इक्विवेलेंट टेक्निकल कोर्स कैंडिडेट कैन ऑल्सो चूज टू गो फॉर MBA। तो दूसरा तरीका ये है कि आप BCA कर लीजिए या फिर बैचलर इक्विवेलेंट कोई भी टेक्निकल कोर्स करके आप MBA कर लीजिए, मास्टर डिग्री MBA में कर लीजिए। तो ये पहली जो है एजुकेशनल रिक्वायरमेंट हो गई DBA की। और DBA की जो दूसरी रिक्वायरमेंट है, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है, वो है कि यू मस्ट होल्ड ओरेकल सर्टिफिकेशन लाइक OCA और OCP। तो आपको डेटाबेस के रिगार्डिंग एक OCA का सर्टिफिकेशन होता है जिसको ओरेकल सर्टिफाइड एसोसिएट कहते हैं, और एक दूसरा होता है ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल मतलब OCP। तो आप या तो OCA कर लीजिए या OCP कर लीजिए। तो OCA करने के बाद आप इस जॉब में एंट्री ले सकते हैं, और OCP इसका एडवांस सर्टिफिकेशन है। तो ये आपको जब 3-4-5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा और आगे आप रेप्यूटेड कंपनी में जब जाएंगे तो वहाँ पर OCP की रिक्वायरमेंट्स बनती है, तो उसी के बेसिस पे आपकी सैलरी भी जो है अच्छी मिलेगी। तो ये जो है ये एक DBA बनने के लिए ये दो रिक्वायरमेंट है। अब देखते हैं कि ओरेकल डेटाबेस के रिगार्डिंग कौन कौन से सर्टिफिकेशन होते हैं
और ओरेकल का सर्टिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी है? तो वाई ओरेकल सर्टिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड, तो द प्राइमरी रीज़न टू बिकम OCA और OCP सर्टिफाइड इज़ टू गेन मोर विजिबिलिटी एंड ग्रेटर एक्सेस टू दी इंडस्ट्रीज मोस्ट चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो OCA और OCP सर्टिफाइड बनने का पहला जो रीज़न है वो ये है कि अगर आप OCA और OCP क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आप जो है इंडस्ट्री की जो मोस्ट चैलेंजिंग टास्क है उसको आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, उसको आप बहुत अच्छे से टैकल कर पाएंगे। तो ये चीज़ दर्शाने के लिए जो है शो करने के लिए आपको OCA और OCP का सर्टिफिकेशन लेना ज़रूरी है। तो ओरेकल सर्टिफिकेशन इज़ द बेस्ट वे टू डिमोन्स्ट्रेट योर नॉलेज एंड स्किल्स इन ओरेकल डेटाबेस सिस्टम। तो ओरेकल डेटाबेस सिस्टम में जो है आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे स्किल्स है, तो वो आप कैसे प्रूफ करेंगे, आप कैसे शो करेंगे? तो वो आप प्रूफ कर सकते हैं ओरेकल सर्टिफिकेशन के थ्रू, क्योंकि ओरेकल सर्टिफिकेशन ही जो है एक वे है टू डिमोन्स्ट्रेट योर नॉलेज एंड स्किल्स इन ओरेकल डेटाबेस सिस्टम। तो ये जो है फर्स्ट रीज़न है कि वाई ओरेकल सर्टिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड। नाउ द सेकेंड रीज़न इज़ कि सर्टिफिकेशन इज़ प्रूफ ऑफ योर नॉलेज एंड शोज दैट यू हैव द स्किल्स रिक्वायर्ड टू सपोर्ट ओरेकल कोर प्रोडक्ट। तो सर्टिफिकेशन क्या है? सर्टिफिकेशन आपकी नॉलेज का जो है एक प्रूफ है एंड और शो करता है दैट कि यू हैव द स्किल्स, कि आपके पास स्किल्स है, वो स्किल्स है जिन स्किल्स से ओरेकल कोर प्रोडक्ट को आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपके स्किल्स को और आपके नॉलेज को शो करने के लिए जो है सर्टिफिकेशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। नाउ द थर्ड रीज़न इज OCPs आर अमंग द बेस्ट पेड इन द IT इंडस्ट्रीज। तो ये देखा गया है कि जो भी जो DBA जिनके पास OCP का सर्टिफिकेशन है उनको जो है IT इंडस्ट्री में जो है एक अच्छी सैलरी मिलती है। तो इसके लिए भी आपको जो है OC या OCP का सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा और सैलरी सर्वेस कॉन्स्टेंटली शो द OCP सर्टिफिकेशन टू यील्ड हायर सैलरीज। और जो सैलरी सर्वे है वो कॉन्स्टेंटली शो करता है कि जो OCP सर्टिफिकेशन है उसको सैलरी भी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो ये बेसिकली थ्री रीजंस है वाई ओरेकल सर्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। नाउ अब देखते हैं कि ओरेकल में कौन कौन से सर्टिफिकेशन होते हैं, ओरेकल DBA और डेवलपर के कौन कौन से सर्टिफिकेशन होते हैं, तो उस पर जो है अब बात करेंगे। तो सर्टिफिकेशन फॉर ओरेकल DBA, तो अब देखते हैं कि ओरेकल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेशन होते हैं। तो बेसिकली ओरेकल DBA का जो सर्टिफिकेशन होता है वो होता है एक तो OCA जिसको ओरेकल सर्टिफाइड एसोसिएट का सर्टिफिकेशन कहते हैं, और ये एंट्री लेवल का जो है सर्टिफिकेशन होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा सर्टिफिकेशन जो है जो इसका एडवांस है उसको OCP बोलते हैं, ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल। तो आइए देखते हैं कि ओरेकल DBA के लिए जो OCA का सर्टिफिकेशन है, ओरेकल सर्टिफाइड एसोसिएट का जो सर्टिफिकेशन है उसमें कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं। तो ओरेकल DBA का OCA सर्टिफिकेशन करने के लिए आपको जो पहला एग्जाम है एग्जाम 1, वो है 1Z00051 ओरेकल डेटाबेस 10G SQL फंडामेंटल्स 1। तो OCA का जो है पहला एग्जाम ये है। अगर आप ये वाला नहीं करना चाहते हैं 1Z00051 ओरेकल डेटाबेस 11G SQL फंडामेंटल्स 1, या तो आप ये कर लीजिए, और ये नहीं करना चाहते हैं तो फिर दूसरा ऑप्शन है ये वाला 1Z00061 ओरेकल डेटाबेस 12C SQL फंडामेंटल्स, या फिर आप ये कर लीजिए, और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो आप ये तीसरा वाला कर सकते हैं 1Z00047 ओरेकल डेटाबेस SQL एक्सपर्ट। तो OCA का जो पहला एग्जाम है ये जो तीन कोड मैंने बताया है 1Z00051 1Z00061 1Z00047, इन तीनों में से
कोई भी आप एक एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लीजिए। उसके बाद उसी का दूसरा जो एग्ज़ाम है वो है 1Z0052 ओरेकल डेटाबेस 11G एडमिनिस्ट्रेटर 1। या तो आप ये कर लीजिए या फिर 1Z0062 ओरेकल डेटाबेस 12C एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर आप ये कर लीजिए। तो इस तरीके से एग्ज़ाम 1 और एग्ज़ाम 2 को कंप्लीट करने के बाद आपको ओरेकल DBA में OCA का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। OCA सर्टिफिकेशन लेने के बाद फिर OCP का सर्टिफिकेशन होता है, जिसको ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल बोलते हैं। तो OCP में सिर्फ एक एग्ज़ाम देना होता है, जिसे एग्ज़ाम 3 बोलते हैं। तो इसका नाम है 1Z0053 ओरेकल डेटाबेस 11G एडमिनिस्ट्रेटर 2। या तो आप ये कर लीजिए या फिर 1Z0063 ओरेकल डेटाबेस 12C एडवांस एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर आप ये कर लीजिए। तो ये थर्ड एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद आपको ओरेकल DBA का OCP का सर्टिफिकेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ओरेकल का जो है OCA और OCP का जो सर्टिफिकेशन है, इसका जो एग्ज़ाम होता है, ये आप DU CAT या फिर NIT जैसे सेंटर में जा कर के, प्रोमेट्रिक सेंटर में आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसका एग्ज़ाम जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होता है, जिसमें टिक मारना होता है। तो क्वेश्चन आपका 80, मतलब 80 से लेकर के 120 क्वेश्चंस तक आते हैं। वो डिपेंड करता है कि जो है इन तीन एग्ज़ाम में से कौन सा एग्ज़ाम है। किसी एग्ज़ाम में कम क्वेश्चन होते हैं, किसी एग्ज़ाम में ज़्यादा होते हैं। तो 80 से लेकर के 120 क्वेश्चन होते हैं, और एक सर्टिफिकेशन की जो फीस होती है वो लगभग 7,500 रुपये फीस होती है। तो आप जो है तीन सर्टिफिकेशन के लिए, तीन एग्ज़ाम्स के लिए जो है इस तरीके से 7,500 रुपये दे करके पहला एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा और तीसरा उस 7,500-8,900 तक का होता है, फिर तीसरा भी 8,000-9,000 तक का होता है। तो इस तरीके से आप जो है इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम दे करके इसका सर्टिफिकेशन आप ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन फॉर ओरेकल डेवलपर। तो वो स्टूडेंट्स जो अपना जो है करियर डेटाबेस के प्रोग्रामिंग में बनाना चाहते हैं और आगे चल करके ओरेकल एप्स DBA बनना चाहते हैं, तो ओरेकल एप्स DBA बनने के लिए, एप्लीकेशन डेवलपर बनने के लिए, उसको जो है इसमें दो तरीके से, ओरेकल एप्लीकेशन डेवलपर भी दो तरीके से होते हैं। एक होता है ओरेकल PL SQL डेवलपर और दूसरा होता है ओरेकल फॉर्म्स डेवलपर। तो आइए देखते हैं सबसे पहले जो है ओरेकल PL SQL डेवलपर और ओरेकल फॉर्म्स डेवलपर के लिए। इन दोनों के लिए भी दो एग्ज़ाम्स होते हैं, लेकिन ये दोनों एग्ज़ाम्स जो है ओरेकल PL SQL के लिए भी वही होता है और ओरेकल फॉर्म्स डेवलपर के लिए भी वही होता है। तो इसमें देखते हैं कि ओरेकल PL SQL डेवलपर और ओरेकल फॉर्म्स डेवलपर के लिए अगर OCA का सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, ओरेकल सर्टिफाइड एसोसिएट का कोर्स करना चाहते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो इसका पहला जो एग्ज़ाम है उसका नाम है, उसका जो कोड है वो है 1Z0051 ओरेकल डेटाबेस 11G SQL फंडामेंटल्स। या तो आप ये कर लीजिए, और ये नहीं करना चाहते तो फिर आप ये कीजिए 1Z0061 ओरेकल डेटाबेस 12C SQL फंडामेंटल्स, या फिर आप ये कर लीजिए। और एक तीसरा और है 1Z0047 ओरेकल डेटाबेस SQL एक्सपर्ट, या फिर आप ये कर लीजिए। यानी कि OCA यानी कि ओरेकल PL SQL डेवलपर के लिए या फिर ओरेकल फॉर्म्स डेवलपर के लिए अगर OCA का सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, तो उसका एग्ज़ाम 1 जो है, यहाँ पर तीन कोड है, तीन मॉड्यूल्स है, इन तीनों मॉड्यूल्स में से कोई भी एक मॉड्यूल आप कर लीजिए। उसके बाद एग्ज़ाम 2 1Z0144 ओरेकल डेटाबेस 11G प्रोग्राम विद PL SQL। उसके बाद दूसरा जो एग्ज़ाम है वो 1Z0144 वाला है। इसको कंप्लीट करने के बाद जो है आपको OCA का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा,
और ये OCA का सर्टिफिकेशन आपका जो है ओरेकल PL SQL डेवलपर के लिए भी काम आएगा और ओरेकल फॉर्म्स डेवलपर में भी यही सर्टिफिकेशन चलेगा। उसके बाद अगर ओरेकल PL SQL डेवलपर में OCP का सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं तो थर्ड एग्ज़ाम होगा, और ओरेकल फॉर्म्स डेवलपर में अगर आप OCP का सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं तो उसका भी थर्ड एग्ज़ाम होगा जो अलग होगा। तो आइए देखते हैं OCP ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल, तो OCP फॉर PL SQL डेवलपर। तो PL SQL डेवलपर के लिए अगर OCP का सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए एग्ज़ाम 3 जो है उसका कोड है 10146 ओरेकल डेटाबेस 11G एडवांस PL SQL, ये कर लीजिए। तो इसको करने के बाद जो है आपको ओरेकल PL SQL डेवलपर में OCP का सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप फॉर्म डेवलपर में OCP का सर्टिफिकेशन चाहते हैं तो OCP फॉर फॉर्म डेवलपर, तो उसके लिए एग्ज़ाम 3 जो है उसका कोड है 10151 ओरेकल फ्यूजन मिडलवेयर 11G बिल्ड एप्लीकेशन विद ओरेकल फॉर्म्स। तो आप ये वाला एग्ज़ाम कंप्लीट कर लीजिए। तो ये सर्टिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद आपको जो है ओरेकल फॉर्म डेवलपर में OCP का सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अब देखते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ DBA एज ए करियर। तो अगर आप DBA को एज ए करियर चूज करते हैं तो उसके कौन कौन से बेनिफिट है वो देखते हैं। तो पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि इस प्रोफेशन में, इस फील्ड में आपका जो सैलरी पैकेज है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो एक DBA की सैलरी पैकेज बहुत ही ज़्यादा होता है और जितना एक्सपीरियंस उतनी बड़ी सैलरी जो है आपको इस करियर में मिलती है, और जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा उतनी ही बड़ी सैलरी जो है आपको इसमें मिलती है। उसके बाद दूसरा जो बेनिफिट है वो हाई विजिबिलिटी इन कंपनी। तो जैसा कि मैंने बताया है कि किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में डेटाबेस डिपार्टमेंट जो है एक सेंट्रल डिपार्टमेंट है, उसमें DBA जो होता है सारे डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करना पड़ता है उसको, तो उसकी जो विजिबिलिटी होती है पूरी कंपनी में एक हाई विजिबिलिटी होती है, वो सबसे डिफरेंट जो है उसकी आइडेंटिटी होती है। तो ये दूसरा बेनिफिट है। तीसरा जो है जॉब सिक्योरिटी। अगर आपको 8-10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो 10 साल के बाद जो है DBA के फील्ड में आपकी जॉब जो है वो सिक्योर हो जाती है, क्योंकि पूरी कंपनी में जो डेटाबेस कहाँ कहाँ फैला हुआ है, किस तरीके से उसकी डिजाइनिंग है, किस तरीके से वो वर्क करता है, उसको बहुत ही अंदर तक की नॉलेज होती है। तो उसको जो है अगर कितना भी रिसेशन आ जाए मार्केट में तो उसको जॉब से निकालना इतना आसान नहीं होता है। तो DBA के फील्ड में जॉब की सिक्योरिटी बहुत हाई होती है, लेस स्ट्रेसफुल जॉब। ये जॉब जो है एक बार काम सीखने के बाद जो है ये जॉब लेस स्ट्रेसफुल जॉब हो जाती है, इसमें माथापच्ची जो है आगे चल करके बहुत कम है। उसके बाद लॉन्ग शेल्फ लाइफ। तो इसमें क्या है कि 8-10 साल 20 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद जो है आपकी जो लाइफ होगी वो सेल्फ लाइफ होगी, आपको किसी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तो ये बेसिकली जो है ये सारे DBA के बेनिफिट्स है। नाउ जो है वी सी द सैलरी पैकेज। नाउ सैलरी पैकेज देखते हैं। तो सैलरी पैकेज जो है वो देखते हैं, हाईएस्ट पे जॉब इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी दैट यू चूज फॉर। तो सैलरी पैकेज जो है जैसा कि मैंने बताया कि सैलरी पैकेज बहुत ज़्यादा होता है, तो बट इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी दैट यू चूज फॉर। तो इसमें जो सैलरी है वो डिपेंड करती है कि आप कौन सी कंपनी चूज कर रहे हो। तो जितनी बड़ी कंपनी होगी उतनी बड़ी सैलरी होगी, क्योंकि उतना ही बड़ा उस कंपनी का डेटाबेस होगा। तो सेकंड जो है IBM इनिशियल सैलरी 27,000 पर मंथ फॉर फ्रेशर। तो लगभग 5-6 साल पहले जब मैंने ये कोर्स किया था तो IBM में जो है मेरी इनिशियल सैलरी जो है 27,000 पर मंथ पर लगी थी। तो IBM में जो है DBA की जो है फ्रेशर सैलरी है वो लगभग 27,000 तक जो है मिल जाती है, अगर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ना हो तो।
आगे फॉर 3+ ईयर्स एक्सपीरियंस सैलरी स्टार्ट्स फ्रॉम 5 लाख पर एनम टिल 7 लाख। तो वो डीबीए जिनके पास 3+ एक्सपीरियंस है डीबीए के फील्ड में, उनकी सैलरी 5 लाख 5 लाख पर एनम टिल 7 लाख उसको मिल जाता है। 5 से 7 लाख पर एनम एक साल में उसको मिलता है, और 10 साल से ऊपर वाले एक्सपीरियंस के डीबीए को जो है 14 लाख पर एनम टिल 18 लाख, 14 लाख पर ईयर से लेकर के 18 लाख तक की जो है उसकी सैलरी होती है। और उसके बाद जितना एक्सपीरियंस वो गेन करेगा उसी के हिसाब से उसकी उतनी सैलरी बनती चली जाती है। तो ये जो है सारा था सैलरी पैकेज। तो हमारा जो है हाउ टू बिकम ओरेकल डीबीए का ये थर्ड पार्ट था, और ये यहाँ ख़त्म हो गया है। तो हाउ टू बिकम ओरेकल डीबीए के लिए जो है आप मेरा वीडियो का जो है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को देखें। थैंक यू।